नमस्कार दोस्तों, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है और साल 2023 में ये व्रत 19 अगस्त यानी शनिवार के दिन रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन 16 श्रृंगार का भी बड़ा महत्व है। यही वजह है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भी 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही इस दिन महिलाएं माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा भी करती हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि इस दिन शिव पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। इसके लिए आपको पूजा की सारी सामग्री ठीक से नोट कर लेनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए पीला वस्त्र, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, चावल, दुर्वा घास, घी, कपूर, श्रीफल, चंदन, दूध, गंगाजल, दही, शहद और पंचामृत आपको पूजा में अवश्य रखना चाहिए। इस दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ ही गणेश जी की भी पूजा की जाती है। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर एक लाल या पीले रंग का कपड़ा आपको बिछाना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार की मूर्ति स्थापित उसमें करनी चाहिए और वस्त्र वहां पे अर्पित करने चाहिए। इसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव को सभी सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। इस दिन हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी बहुत शुभ मानी जाती है। अंत में आरती आपको अवश्य करनी चाहिए और माता पार्वती से सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अच्छे से श्रृंगार करें, साथ ही माता पार्वती को भी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए एक हरे रंग की साड़ी, लाल रंग की चुनरी और 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के सामान माता पार्वती को आपको अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव को खीर का भोग भी आपको लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने से भगवान शिव अपने भक्त के सभी कष्ट हर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की, तो ऐसा माना जाता है आपको सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है। साथ ही आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो अड़चने आपके जीवन में आ रही हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। माता पार्वती और शिव की आपको कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हरियाली तीज के दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको कम से कम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। आप शिव परिवार की पूजा भी कर सकते हैं, इसके साथ ही आप भगवान शिव के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो भी अगर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके जीवन की भी अड़चनें दूर होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT लाइव। नमस्कार।